रहीम द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान संधू। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप रब्ता करके अपने क्यूरीज या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप लोगों को मालूमात मिलती रहे। तो आज की वीडियो जिसका मकसद है रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फी वेवर स्कॉलरशिप स्प्रिंग 2023, जिसका रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने लिस्टें भी देख ली होंगी, माई आईयूबी से जाके आप लोगों ने अपना चलान अपडेट भी देख लिया होगा। तो बहुत से लोगों के बहुत से सवाल थे कि क्या जिन लोगों ने फी वेवर स्कॉलरशिप में तो फीस पे कर दी हुई है, तो क्या हमें जितने परसेंट फीस स्कॉलरशिप जो कि हमारे लिए अनाउंस हुई है, क्या वो हमें वापस मिलेगी, क्या हमने इसके लिए क्या करना है। और फाइनेंशियल क्राइसिस वाले जिन लोगों ने फ़ीस पे कर दी है और जिन लोगों ने नहीं करी, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ फी वेवर स्कॉलरशिप के हवाले से, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिन लोगों ने फ़ीस पे कर दी है उसके बाद अप्लाई हुआ था, तो उन लोगों की जितनी भी स्कॉलरशिप लगी है, 5%, 10%, 20% या 25% या 50%, तकरीबन सबकी इससे नीचे नीचे लगी है, 10% से लेके 25% के दरमियान ज़्यादा लोगों की लगी है। तो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आप लोग जिन लोगों ने फ़ीस पे की हुई है उन लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर जो कि सेकंड सेमेस्टर होगा फी वेवर स्कॉलरशिप वालों का, तो जितने परसेंट आपकी फ़ीस लगी है, स्कॉलरशिप लगी है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका चलान अपडेट होगा 10%। जिसकी स्कॉलरशिप लगी है तो उसका 10% फ़ीस कट होने के बाद उसको बाकी फ़ीस पे करना पड़ेगी। मतलब अगर टोटल फ़ीस का 10% वो काट के आप लोगों का चलान अपडेट करेंगे, नीचे डिटेल भी लिखेंगे वो कि किस वजह से ये फ़ीस कम हुई है। उसके बाद मैं बताता हूँ फाइनेंशियल क्राइसिस स्कॉलरशिप वालों के लिए कि उनके लिए क्या प्रोसीजर है। जिन लोगों ने फ़ीस पे नहीं की, उन लोगों के चलान अपडेट हो चुके हैं, वो अपना माई आईयूबी से जाके चलान डाउनलोड करके बाकी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फ़ीस पे कर दी है, उन लोगों के लिए है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस पे कर सकते हैं, जिसमें वो परसेंटेज जितनी भी है उतने परसेंट फ़ीस कम होके आप लोगों ने नेक्स्ट फ़ीस पे करनी है। ये कुछ लोगों के मेन मेन सवाल थे जिसका मैंने जवाब दे दिया है। बाकी मज़ीद आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो आप लोग नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का सवाल हो। तो जिन लोगों की स्कॉलरशिप लग चुकी है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उनकी फ़ीस कम हो जाएगी, जितने परसेंट लगी है उतनी परसेंट फ़ीस कम होगी टोटल फ़ीस का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।